again, we are fighting for autonomous Sambhava land. Since 28 years we are struggling. Up to 56, we had our own state, C state, well administered state. In the parliament, in the year 1949, Sardar Patel, Iron Man of India, he appreciated, he extolled our state, happiest state. In the year 1956, amalgamated with old Mysore. After amalgamation, we created a Karnataka state. After the merging to Karnataka, we have been neglected, marginalized, disrespected. Our land, language, culture, everything was matching from Karnataka. उसमें हमारा लैंड को स्वाभिमान रक्षा करना चाहिए, हमारा लोगों को हम लोग पूरा लोग ये हिंदुस्तान का दो वर्ल्ड वार तो पाकिस्तान का चार वार इंसर्जेंसी श्रीलंका सबको ये फाइट में हम लोग था। सर ये आपको उस देश के लिए इतनी शहादत दिया है और भी साबित कर हुआ है, लेकिन आज जो है आप अलग राज्य का मांग कर रहे हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे एजेंडा है, बहुत सारे राज्य बहुत सारे लोग हैं, बहुत प्रांतीय लोग हैं जो अपना अपना राज्य मांग रहे हैं। अगर इस तरह से अगर बात करते रहे तो इसका तो खंडन होगा। नहीं, राज्य मांगने में खंडन नहीं होना चाहिए, वो राज्य अच्छा है। हमारा देश अलग संस्कृति, विभिन्न भाषा, विभिन्न धर्म का एक यूनियन है। इसमें हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान है, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा बना है। इसके प्रति अलग देश मांगना ना, राष्ट्र मांगना ये गलती काम है। अलग राज्य मांगना अच्छा काम है। वो हम पहले अलग राज्य था ना, 56 तक आते थे। राज्य का नाम कुर्ग, कुर्ग स्टेट, कुर्ग स्टेट। सरदार पटेल जी पार्लियामेंट में उसको अप्रिशिएट किया, बहुत अच्छा राज्य था। उसको कर्नाटक जो लोग छोड़ दिया 1956 स्टेट रियानेक्स एक्ट में, आज उसका सेलिब्रेशन है कर्नाटक राज्योत्सव का। हम लोग अपोज करता है, हमारा प्रोटेस्ट रजिस्टर करता है। कब तक इस तरह का आप वो पीसफुल से ही कब तक दुनिया है कब तक हम करता है, वो पीसफुल स्ट्रगल में मिलने के तक हम करता है, उसका लॉजिकल एंड पहुंचने का तक हम करता है। अगर इस तरह का आंदोलन करते रहे, एक सही निर्णय कहाँ? सही निर्णय आता है, अभी पार्लियामेंट में वो बिल चल रहा है, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी, वो दुनिया का बहुत बड़ा अर्थनीति शास्त्र है, वो हमारा चीफ गेस्ट था पहले वर्ष, वो प्रॉमिस किया, वो उन्होंने बिल मूव किया पार्लियामेंट में, नवंबर में आता है वो, एनसीइंग विंटर सेशन में आता है। किस किस मांगों को लेकर आप अलग राज्य का बात कर रहे हैं? हमारा लैंग्वेज, हमारा कल्चर, हमारा आलोचना विधान कल्चर अलग है, हमारा पॉलिटिकल सिस्टम अलग है, हमारा जनपद फोकलोरिक हिस्ट्री का अलग है, हमारा लीगल सिस्टम अलग है, हमारा प्रदेश जियोपॉलिटिकल बाउंड्री अलग है। सर हम कन्नड़ का नहीं है, कर्नाटक इज़ नॉट ए होमोजीनियस स्टेट, हैदराबाद निजाम प्रॉविंस, बीदर गुलबर्ग रायचूर उर्दू स्पीकिंग पीपल है, बॉम्बे कर्नाटक रीजन मराठी स्पीकिंग पीपल है, कारवार कुंकणी लैंग्वेज है, कोल्लेगाल तमिल लैंग्वेज है, बेंगलुरु मिनी वर्ल्ड है, हम साउथ केंद्र मैंगलोर तुलुनाडु है, हमारा कोडवा लोग कूर्ग लोग कोडवा स्पीकिंग करते हैं, 40% कन्नड़ी है, वो लोग हमारा यजमानी करता है, एथनिक यजमानी करता है, जबरदस्ती करता है, इसलिए हम छोड़ते हैं। आगे का सर क्या प्लान है, इस तरह से अगर आपको न्याय नहीं मिलता तो आगे क्या करेंगे? हम पीसफुल आंदोलन करते हैं, क्या करना, विश्व संस्था को, यूनाइटेड नेशन को पहुँचता है, यूनाइटेड नेशन को।